हे गाइस, मैं हूँ जूही एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूहीज ब्यूटी वर्ल्ड। और आज की जो वीडियो है ये हेयर केयर, स्किन केयर एंड बॉडी केयर तीनों पे है। इसमें मैं तीन रेमेडी बताने वाली हूँ, तो चलिए अब वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं हेयर मास्क। हेयर मास्क बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्लेक्सी पाउडर। आप भी फ्लैक्सीड पाउडर घर से भी बना सकते हैं और मार्केट से भी ले सकते हैं। घर पे बनाने के लिए आपको फ्लैक्सीड को ग्राइंड करना है, फ्लैक्सीड पाउडर आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून फ्लैक्सीड पाउडर ले लिया है और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून हनी मिक्स करूँगी और 2 टेबल स्पून दही मिक्स करूँगी। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके इसका पैक बनाऊँगी। अब हमारा हो गया है पैक रेडी और अब हम चलते हैं इसे अपने बालों में अप्लाई करने के लिए। तो बालों में अप्लाई करने से पहले हम फर्स्टली बालों को कॉम कर लेंगे और इसके बाद हम अपने बालों को लेंथ में थोड़े थोड़े इसे पैक को लेकर लगाएंगे। जब अपने बालों के लेंथ में अच्छे से लगा लेंगे तो हम अपने स्कैल्प में भी लगाएंगे। जब तक मैं अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ तब तक मैं आपको बताती हूँ कि ये पैक हमारे बालों के लिए कितनी हेल्पफुल है और किस तरीके से। तो फर्स्टली मैं बात करती हूँ इसकी जो इंग्रेडिएंट है फ्लैक्सीड। तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है या आपके बाल ड्राई फ्रिजी हैं या आपके बालों में साइन नहीं है तो फ्लैक्सीड आपके बालों पे बेहतर वर्क करेगी। जी हाँ, क्योंकि फ्लैक्सीड में विटामिन ई पाया जाता है, साथ ही फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो अगर आपके बालों में साइन नहीं है, आपके बाल हेयर फॉल हो रहे हैं या आपके बालों का ग्रोथ नहीं हो रहा, तो इन सारे प्रॉब्लम को ये सोल्यूशन देने का काम करती है। और साथ ही साथ हनी और दही, ये दोनों आपके बालों में साइन लाने का काम करते हैं। और अब तक तो ये मेरे बालों में लग चुकी है। हम अपने बालों के बैक साइड भी लगाएंगे और जब पूरे बालों में हम अच्छे से लगा लेंगे अब मैं अपने बालों का एक बन बनाऊंगी और बन बना के इसे मैं करीब आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी। अब हम बनाते हैं अपनी सेकेंड रेमेडी बॉडी उपटन। बॉडी उपटन बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून बेसन और इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून हल्दी मिक्स किया है और नॉर्मल वाटर से मैंने इसका पेस्ट तैयार किया है। तो हमारा पेस्ट हो गया है रेडी और अब मैं इसे इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने हाथों और पैर पर। तो इसे आप भी अपने हाथ पर या फिर बॉडी पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अपने हाथों पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। और इसके फ़ायदे की बात करें तो अगर आपके हाथ पैर में टैनिंग की प्रॉब्लम है या फिर आपकी स्किन का नेचुरल कलर कहीं गुम सा हो गया है, आपका नेचुरल कलर दब गया है, तो उसे निखारने के लिए ये पैक ना परफेक्ट सोल्यूशन का काम करेगी। तो जब तक ये सूख रही है तब तक हम बनाते हैं अपनी थर्ड रेमेडी। पैक बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 स्पून कॉफ़ी और इसमें मैंने 1 स्पून रोज वाटर मिक्स किया है और 1 स्पून हनी मिक्स किया है। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करके हम पैक बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करने। तो कॉफ़ अगर आपके फेस पे पिंपल की प्रॉब्लम है या फिर पिंपल के दाग है तो आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन का काम करेगी, क्योंकि कॉफ़ी में पाया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी के गुण जो कि पिंपल होने से बचाता है। और अगर स्किन पे पिंपल्स होते हैं तो इस पिंपल को गायब करने में भी हमारी हेल्प करती है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। और अगर एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन पे डार्क सर्कल हैं, झुर्रियाँ हैं, तो उनको हटाने में भी ये हेल्प करती है, क्योंकि कॉफ़ी कैफीन से बना होता है और कैफीन में पाया जाता है फैटी एसिड जो कि नेचुरल कोलेजन को बनाने में हेल्प करती है। आज की मेरी वीडियो यही थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।